हेलो दोस्तों, तो आज 1 फरवरी और आप देख रहे हैं लर्न चीके वी तेजे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के उस क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए से वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे उससे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया गया है, वर्ष 2021 भारत और किस देश के बीच पर्यावरण के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों, अभी जैसे कि सरकार ने घोषित किया है कि वर्ष 2021 भारत और फ्रांस देश के बीच पर्यावरण के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण के संक्रमण के लिए फ्रांसीसी मंत्री बारबरा पोम्पिली के साथ पर्यावरण के इंडो फ्रेंच वर्ष का शुभारंभ किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल TI के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कौन सा देश सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल TI के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल TI के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 देशों के बीच भारत की रैंक 6 पायदान खिसककर 86वें स्थान पर आ गई है। इस साल न्यूजीलैंड और डेनमार्क 88 अंक के साथ पहले स्थान पर रहे। सोमालिया और दक्षिण सूडान 12वें के स्कोर के साथ 179वें स्थान पर सबसे निचले स्थान पर है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार 36 हफ्तों में अपने कोविड के प्रदर्शन पर 98 देशों में से भारत का रैंक क्या है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार 36 हफ्तों में अपने कोविड के प्रदर्शन पर 98 देशों में से भारत का रैंक 86 है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन ने 36 हफ्तों में अपने कोविड के प्रदर्शन पर 98 देशों में से 86 देशों को रैंक किया है, जो प्रत्येक देश को 100वें पुष्टि मामले के बाद है, जबकि न्यूजीलैंड ने वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और साइप्रस के बाद सबसे अधिक औसत स्कोर बनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका नीचे पास में से एक है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी स्टाफ के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आर्मी स्टाफ के अगले उप प्रमुख के रूप में चंडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी कुमार प्रसाद मोहंती को सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, हर साल देश भर में राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाने वाले महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मनाने के लिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 73वां शहीद दिवस था। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत न्याय रिपोर्ट IJR 2020 में किस राज्य ने पहला स्थान मिला है जो लोगों को न्याय प्रदान करने पर न्याय करता है। दोस्तों,
भारत न्याय रिपोर्ट IJR 2020 में महाराष्ट्र राज्य को पहला स्थान मिला है। दोस्तों ये राज्य लोगों को न्याय प्रदान करने पर न्याय करता है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर फिर सुनते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र भारत न्याय रिपोर्ट IJR 2020 में दूसरे संस्करण में पहले स्थान पर है, जो न्यायाधीश लोगों को न्याय प्रदान करने पर कहता है। महाराष्ट्र ने 18 बड़े और मध्य राज्यों के बीच अपनी नंबर एक की स्थिति बनाए रखी है। प्रत्येक की आबादी तमिलनाडु के मुकाबले 1 करोड़ से अधिक है, जिसने 2019 में अपनी रैंकिंग में सुधार किया और तेलंगाना में तीसरा स्थान हासिल किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के अनुसार पिछले 10 वर्षों में वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या में भारत की स्थिति क्या है? तो दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के अनुसार पिछले 10 वर्षों में वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या में भारत की स्थिति 3rd है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखी है और यह विश्व स्तर पर चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुतः नवजागरण विषय के साथ किस देश ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII की मेज़बानी की है? तो दोस्तों वस्तुतः नवजागरण विषय के साथ दोस्तों अभी सऊदी अरब देश ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव यानी FII की मेज़बानी की है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों सऊदी अरब के साम्राज्य ने द नव पुनर्जागरण विषय के साथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII की मेज़बानी की। 2 दिवसीय दावोस शिखर सम्मेलन की शैली वैश्विक नीति निर्माताओं और व्यापार जगत के कई विषयों पर बात करते हुए देखी जाएगी। विषयों में फॉर्मुलास्टिकल्स मनोरंजन और कई अन्य शामिल होंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अप्रैल से नवंबर 2020 में के दौरान कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI जो अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान 37% बढ़ा है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर फिर जानते हैं। दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान 37% बढ़कर $43.85 अरब हो गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण का अनुमान है कि 2020 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण का अनुमान है कि 2020 में अंत में सकल घरेलू उत्पाद का 98% है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों वैश्विक सार्वजनिक ऋण का अनुमान है कि 2020 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का 98% छू सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने नवीनतम राजकोषीय मॉनिटर अपडेट में कहा है, जिसके अनुसार भारत का सरकारी ऋण GDP में 83% पर बने रहने की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैबाल गुप्ता का निधन किस पेशे में से था? तो दोस्तों अभी शैबाल गुप्ता का निधन हो गया है। दोस्तों इनका जो संबंध था वो अर्थशास्त्री था, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों पटना के सामाजिक वैज्ञानिक और लोकप्रिय अर्थशास्त्री शैबाल गुप्ता का निधन हो गया है, वे 67 वर्ष के थे। तो चलिए दोस्तों
हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी SNT हस्तक्षेपों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी SNT हस्तक्षेपों के माध्यम से दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए लद्दाख के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके एक्शन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी SNT हस्तक्षेपों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने यूनिसेफ के सहयोग में से शिक्षक शिक्षा निदेशालय में प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए शिक्षक शिक्षा डैशबोर्ड शुरू किया है? तो दोस्तों, निम्न में से ओडिशा राज्य ने यूनिसेफ सहयोग से शिक्षक शिक्षा निदेशालय और SCERT ने प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए शिक्षक शिक्षा डैशबोर्ड शुरू किया है? तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, शिक्षक शिक्षा निदेशालय और SCERT ने यूनिसेफ ओडिशा और SDRC से तकनीक सहायता के सहयोग से वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर के खिलाफ प्रगति की निगरानी और विश्वसनीय डेटा के साथ शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए शिक्षक नाम डैशबोर्ड शुरू किया है। शिक्षकों के पेशेवर प्रोफाइल के साथ जोड़ना इसका मेन मोटिव है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने अपने वैश्विक बिक्री मंच पर अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए किस राज्य में कार्यरत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने अपने वैश्विक बिक्री मंच पर अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य में कार्यरत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी MSMEs की मदद करने के लिए निम्नलिखित में से अमेज़न से एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, वैश्विक ई टेलर अमेज़न इंडिया ने अपने वैश्विक बिक्री मंच पर अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य में सक्रिय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी SMME की मदद करने के लिए कर्नाटक उद्योगों और वाणिज्य विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौमित्र चटर्जी की जीवनी IT सौमित्र चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एंड पेंटिंग के सह लेखक अर्जुन सेन गुप्ता और कौन है? तो दोस्तों, सौमित्र चटर्जी की जीवनी IT सौमित्र चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एंड पेंटिंग के सह लेखक अर्जुन सेन गुप्ता के साथ पार्थ मुखर्जी है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, प्रतिष्ठित बहुप्रतिभाशाली कलाकार सौमित्र चटर्जी का 85 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया है। अधिकृत जीवनी का शीर्षक है UM सौमित्र चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एंड पेंटिंग। ये अर्जुन सेन गुप्ता और पार्थ मुखर्जी द्वारा सह लिखित पुस्तक नियोगी बुक्स द्वारा प्रकाशित की जाएगी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब रेस विद मी के सह लेखक आंद्रे डी ग्रासे और रॉबर्ट वुड द्वारा सह लेखक है आंद्रे डी ग्रास ओलंपियन स्प्लिंटर किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, किताब रेस विद मी का सह लेखक आंद्रे डी ग्रासे और रॉबर्ट वुड है। दोस्तों, आंद्रे डी ग्रासे ओलंपियन स्प्रिंटर कनाडा देश से संबंधित है।
तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों कनाडा के ओलंपियन स्प्रिंटर आंद्रे डिग्रासो 6 से 10 साल की उम्र में के बच्चों के लिए एक पिक्चर बुक लिख रहे हैं, शीर्षक नेशनल रेस विथ मी, प्रेरक पुस्तक जुलाई 2021 को निकलने की उम्मीद है, चित्र पुस्तक डी ग्रास और रॉबर्ट बुद्ध द्वारा सह लेखक है। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो दोस्तों एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का रैंक 10th है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा एक लॉन्च किया गया एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत को 11 एशिया प्रशांत देशों में 10वां स्थान दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों निम्न में से RS शर्मा को भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने RS शर्मा को देश के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्य अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, वह इंद्रभूषण की जगह लेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने खेल इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है। चैंपियनशिप पहली बार किस सीजन में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों BCCI ने खेल इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है। चैंपियनशिप पहली बार 1934 से 1935 वे सीजन में आयोजित की गई थी। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने 2020-21 में रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है। 1934-35 में अपनी स्थापना के बाद 87 वर्षों में यह पहली बार होगा कि भारत की प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020-21 में घरेलू सत्र में आयोजित नहीं की जाएगी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ दिवस विश्व भर में मनाया जाता है, तो दोस्तों 21 तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व कुष्ठ दिवस विश्व भर में मनाया जाता है और 31 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों इस घातक प्राचीन बीमारी के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को दुनिया भर में विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है और इसे रोका, इलाज और ठीक किया जा सकता है। विश्व कुष्ठ दिवस 2021 जो 31 जनवरी 2021 को था, दोस्तों इसकी थीम क्या थी? कुष्ठ रोग अंत कलंक और मानसिक भलाई के लिए वकालत। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या कहीं पर भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पर दिए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।